नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जैसे कि आप जानते हैं कि द्वितीय चरण का जो विधानसभा चुनाव मतदान 7 दिसंबर को खत्म हो गया है, अब हम तृतीय चरण के जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा का चुनाव, उसके लिए आज हम ये रांची लोकसभा का भाग्य है और ईचागढ़ विधानसभा, यहाँ तृतीय चरण मतलब 12 तारीख को वोट डाले जाएंगे, उसको लेकर हम ईचागढ़ विधानसभा लोकसभा जो रांची है, क्या कुछ यहाँ जनता की राय है, किस तरह के मुकाबले होंगे, उसको लेकर हम आपको आगे की अपनी लोगों की राय आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। चलिए ईचागढ़ विधानसभा की यात्रा। चार प्रत्याशी हैं जो जिसका चर्चा है, एक तरफ मलखान सिंह है जो दलील लड़ रहे हैं, हरिलाल महतो लड़ रहे हैं, सविता महतो। आपका ये ईचागढ़ विधानसभा का है और कोई भी पूछता है कि आप लोग इस बार कौन बना विजयगढ़ का विधानसभा, बोलता है कि टाटा का आदमी होते, तो और आदमी बोलता है कि क्या है आपका ईचागढ़ में ऐसा लड़का नहीं कि खड़ा होने के लिए विधानसभा लड़ नहीं सके, इसीलिए हम लोग हरिलाल महतो की इस बार हम लोग खड़ा किए हैं और इस बार लड़ रहा है और निश्चित चीज से हम लोग उससे जय जीत मनाएंगे। खेती करते हो, काम भी करने जाते हम लोग, दाढ़ी उड़ी बनाते हैं बस, और कुछ नहीं करते, कुछ काम नहीं। 5 साल में सरकार ने जो काम किया है नहीं, कुछ नहीं। देखिए पानी आ रहा था, ये सब वही बंद कर दिया हम लोग, कहीं इधर पानी भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं। रोड बन गया ना, उस टाइम तोड़ दिया बस, सब कुछ बंद कर दिया, पानी भी नहीं आ रहा हम लोग का, इधर सब बंद हो गया। जो बड़ा है ना वही लोग घर में घुसा गया ले रहा पानी, क्या आम आदमी को नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, ये यहाँ से आप लोग सरकार से कुछ नहीं है, नहीं है तब खुश रहेगा, कुछ मिले नहीं रहा। सरकार ने क्या किया कि मोदी सरकार से कुछ इधर आएगी, मोदी सरकार ने क्या कुछ ऐसा किया है? नहीं, मोदी जी बहुत, तो फिर आप बोलेंगे हमको कुछ मिला भी नहीं, रोजगार भी नहीं मिला। ये तो देखिए, ये सब मतलब ये आउटर नेता है ना, जितना छुट्टा सब यही सब तो खा रहा है, तो कहाँ से फिर तो, इनको सुधारेगा कौन? वो दूसरा नेता देखना पड़ेगा जो विकास कर मोदी के वोट देंगे। नहीं तो हम थोड़े बता पाएंगे, आप मोदी जी को क्यों वोट देंगे ये बताइए। नहीं, मोदी के हम जबरदस्ती काम करे या ना करे, इस बार मोदी को ही वोट, मोदी के वोट, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए कुछ मिलना चाहिए ना, कुछ नहीं मिलता है, गांव का आदमी खाता है, विधानसभा का आदमी खाता है, मिलना चाहिए ना। वोट मांगने आता तो वोट मांगने आता है, बड़ा बड़ा कोई गाँव में लड़की लोग को घर वाले को पीछे करता है ना, दिक्कत है। एक बात बताइए, आप लोग बीजेपी के प्रचार कर रहे हैं जी, आप सब साथ में है ना जी, तो ये बताइए कि अभी जब गांव में आप लोग जा रहे होंगे तो कुछ तो बता रहे होंगे, हमने एक काम किया चाहे हम एक करेंगे, तो क्या ऐसी बात है जो बताकर आप लोग वोट मांगते हैं, आप हमें समर्थन दो या हमें वोट? हम लोग का यही मूलमत है कि एक ऐसे बढ़िया हम लोग का मजबूत सरकार दीजिए, काम हम लोग का करना, हम लोग तो सेवक हैं जनता का, और जो भी समस्याएं होगी हम लोग उसको और बढ़ चढ़ के करेंगे और कर रहे हैं इसको, ऐसी छोटी छोटी जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग नोट करके रखे हैं, बहुत से ऐसे हम लोग लिख के ले जा रहे हैं, कहीं छोटी बड़ी अगर समस्या कहीं थोड़ी बहुत है तो उसका भी हमारे विधायक नाराज है या खुश है? धक्का किससे लग रहा है इस बार आपको, तीन लोग यहाँ, चार लोग विधायक लेकर आपके चार प्रत्याशी जो है, टक्कर ऐसे कोई नहीं है, देखिए इसके सामने में किसी से तो होगा ना चुनौती मिल रहा होगा, नहीं ऐसे कोई चुनौती नहीं, देखिए जहाँ मोदी है वहाँ हर संभव है, यहाँ भी मोदी जी के नाम, एकदम मोदी का नाम है हर जगह। काम आप बोल रहे थे बहुत बढ़िया, मेरा अर्थव्यवस्था पहले से गड़बड़ है, मोदी जी का कोई दोष नहीं है? नहीं, मोदी जी का दोष, मेरा 100 रुपया कमाई नहीं हो रहा, ऐसे सुबह शाम बैठे रहते क्या।